क्योंकि सर्दी में जो अनलीगल लड़के होते हैं, जो सर्दी में ही होती जो अनलीगल लड़के होते हैं वो आगे चले जाते हैं, फिर इनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तब ये लालच भी दे देते हैं कि इतनी सैलरी हम आपको प्रोवाइड कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो सब यूट्यूब ब्लॉग्स पाकिस्तान को जमा रहा हूँ, ट्रैवलर हूँ प्लस ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। तो गाइस एक भाई ने मैसेज किया था, कमेंट किया था वीडियो पे, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा कि लीगल और इनलीगल की सैलरी कितनी होती है टर्की में। तो बड़े बड़े ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, सैलरी ज़्यादा उसकी होती है जो पुराना हो। जब मेरी जो मेरा दोस्त है वो जिस फैक्ट्री में काम करता है ना, उसकी 1300 लीरा पे है, जो उसको लेके गया था उसको वहाँ पे 5 साल हो गए, उसकी 2400 लीरा उसकी सैलरी है। ठीक है, मतलब जो पुराना है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, जो ज़रा नया नया जाता है उसकी सैलरी कम होती है। जो लीगल होगा उसकी सैलरी होगी 1500-1600 हो जाएगी, जो इनलीगल है उसकी 1200 हो जाएगी, 1300 हो जाएगी, इतना डिफरेंस होता है, इतने इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। टर्की में सैलरी जॉब्स तब ज़्यादा होती हैं जब सर्दी नहीं होती, क्योंकि सर्दी में जो अनलीगल लड़के होते हैं, जो सर्दी नहीं होती जो अनलीगल लड़के होते हैं वो आगे चले जाते हैं, फिर इनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तब ये लालच भी दे देते हैं कि इतनी सैलरी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब ये लालच दे देते हैं और आप लोग लालच में आ जाते हैं, तब सैलरी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, नहीं तो इतना डिफरेंस नहीं होता कि किसी की आप लीगल और आपकी 2000 है, दो अनलीगल है उसकी 1000 रुपये या 1100 रुपये, ऐसे नहीं होता। वो इतना ना नहीं समझते हैं किसी को कि तू लीगल है या अनलीगल है, उसमें ये रिक्वायर नहीं ना है। जैसे यूरोप में एक बात है, 900 यूरो से कम सैलरी जो देगा ना वो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप लीगल हैं, लेकिन वो टर्की में ये हिसाब नहीं है, टर्की में इतना डिफरेंस नहीं होता, इतनी सैलरी होती है 1500-1700 हो जाएगी आपकी अगर आप लीगल जाना चाहते हैं, अगर जो अनलीगल है उसकी 1200 हो जाएगी, 1300 हो जाएगी, इतना डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये थी आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। मिलते हैं न्यू कुमार फ्रेश चैप्टर में, आप देख रहे हैं ब्लॉग्स में, नाम है मुझे अनाफिस गाइस।